कोरोना वायरस खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लाख कोशिशों के बावजूद सभी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 35,043, देश में अब तक 1,147 लोगों की मौत, 8,889 लोगों को किया गया ठीक, 24 घंटे में 1993 नए मरीज, 24 घंटे में 72 लोगों की मौत, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 25.37, मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों मजदूरों की घर वापसी के लिए ट्रेन की मंजूरी दे दी गई है। रेलवे बोर्ड से संपर्क कर राज्य योजना बनाए, मजदूरों को शर्तों के साथ घर जाने की इजाजत दी गई है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि जरूरी सामान वाले ट्रकों को पास की जरूरत नहीं होगी, जरूरतमंदों को राशन और खाना भी दिया जा रहा है। वहीं सीआरपीएफ सीआईएसएफ लगातार मदद में लगे हैं और सीमा से सटे क्षेत्रों में बीएसएफ भी मदद कर रही है। अब दुनिया भर के मामलों पर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना के 33,22,000 मामले, 2,34,000 लोगों की मौत, 10,49,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक, अमेरिका में 10,95,000 कोरोना के मरीज, अमेरिका में 63,000 से ज्यादा लोगों की मौत, स्पेन में कोरोना के मामले 2,39,000, स्पेन में कोरोना से 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत, इटली में 2,05,000 कोरोना संक्रमण के मामले, इटली में करीब 28,000 लोगों की मौत। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। फिलहाल इस पर रोक कैसे लगे इसको लेकर तमाम देश लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और इसकी वैक्सीन और दवा के ट्रायल चल रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।